परमुरछे महिला गत सायक सुमिरते राम राम रघुनायक। सुन प्रिय वचन भरत तब धाय कपि समीप अतु आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन सुन के भरत जी उठकर दौड़े और बड़े उतावले से हनुमान जी के पास आए। विकल विलोक कीस उर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी कहत वचन भरे लोचन भारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते ना थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जय विदे राम विमुख मोहि कीन्हा तेह पुनया दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बिचर काया प्रीत राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो विगत श्रम सूला जो मो पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा कह जय जयते कौशलाधीसा। और यदि मैं मुझ श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपहि उरे लाय पुलकित तन लोचन सजल प्रीत न हृदय समाय सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम का जल भर गया। रघुकुल तिलक से रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहो सुख निधान की सहित अनुज अरुमात जान की। लकप सब चरित समास बखाने भय दुखी मन मोह पछताने। भरत जी बोले हे तात छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान से राम जी का कुशल कहो। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा सुनाई। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आहा देव मैं कत जग जायो प्रभु के एकहु काज न आयो। जान को अवसर मन धर धीरा पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हे देव मैं जगत में क्यों जन्मा प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान से बोले। तात गरुड़ वही है तो ही जाता काज नसा यही होत प्रभाता। चढ़वम सायक सैल समेता पठवाऊ तो ही जहां कृपा निकेता। हे तात तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना मोर भार चलहि किम बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी बंद चरण कहे कपि करे जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर भी श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। तव प्रताप उरे राख प्रभु जय हो नाथ तुरंत अस कह आयस पाय पदे बंद चलो हनुमंत। हे नाथ हे प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहु बल शील गुण प्रभुपत प्रीति अपार मन में जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल शील स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मार्ग से हनुमान जी चले जा रहे हैं।